मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, तो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। जुनून दिल में जगाना पड़ता है, घोंसला बनाने के लिए तो तिनका तिनका उठाना पड़ता है। रैंक लानी है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, तिनका तिनका उठाना पड़ेगा, जुनून दिल में जगाना पड़ेगा। हम फंक्शंस चैप्टर ऑलरेडी कर चुके हैं, परफेक्ट क्रैश कोर्स में फिर से आपका स्वागत है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ये लेक्चर है, इसमें हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की कंप्लीट थ्योरी को रिवाइज करेंगे और उसका इस्तेमाल करते हुए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की थ्योरी अगर कंप्लीटली आती है, सारे फॉर्मूला अच्छे से अपने को आते हैं, तो क्वेश्चन सॉल्व करना बेहद ईजी होता है मेरे दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी हूं एकदम भन्नाट। तो चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक खूबसूरत सा छोटा सा चैप्टर है, प्रॉपर्टीज और फॉर्मूला और बेसिक्स अगर आते होंगे तो क्वेश्चन सॉल्विंग में कभी कोई परेशानी नहीं होती। आपको बता दूं जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं इनको इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस भी बोलते हैं, ठीक है ना, इनको इनवर्स सर्क्यूलर फंक्शंस भी बोलते हैं, इनवर्स सर्क्यूलर फंक्शंस, ठीक है। परफेक्ट क्रैश कोर्स में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को आज हम रिवाइज कर लेंगे यार। अगर रिवीजन आपने अच्छी कर ली सारे कॉन्सेप्ट्स की तो, रिटेन कर लिया अपने माइंड में, तो खटाक से इसका सवाल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। मेरे बारे में लिखा हुआ जेई मेन्स, जेई मैथमेटिक्स स्पेशलाइजेशन, KVPY Olympiads, वैदिक मैथमेटिक्स, फन मैथ्स, शॉर्ट ट्रिक्स। वैदिक मैथ्स के बारे में एक बार जेई मेंस के कोर्स में मोमेंटम बन जाए, उसके बाद वैदिक मैथ्स और फन मैथ्स की ब्यूटी भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। नोट्स टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, स्पेशल क्लासेस की नोटिफिकेशन इस चैनल पे मिलती है, सब्सक्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है यार, आप उस लिंक को ज्वाइन कर लें, उस लिंक को क्लिक करके चैनल को ज्वाइन कर लें ताकि आप नोट्स, स्पेशल क्लासेस और सारी नोटिफिकेशंस के बारे में मालूम कर सकें, ठीक है। आइकॉनिक और प्लस कोर्सेज की स्पेसिफिकेशंस लिखी हुई है, इसके बाद ये प्लस कोर्सेज की डिटेल्स हैं जो अनअकैडमी ऐप पे होते हैं, आइकॉनिक कोर्सेज जो अनअकैडमी ऐप पे होते हैं उनकी डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं चैप्टर को। जैसे ट्रिग्नोमेट्री हमारी जो होती है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जिसको बोलते हैं, उसमें छह फंक्शन होते हैं, साइन एक्स, कोस एक्स, टैन एक्स, कोट एक्स, सीकेंट एक्स एंड कोसिकेंट एक्स। बिल्कुल वैसे ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास छह फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन है साइन इनवर्स एक्स, दूसरा फंक्शन है कोस इनवर्स एक्स, तीसरा फंक्शन है टैन इनवर्स एक्स, फोर्थ फंक्शन इज कोट इनवर्स एक्स, फिफ्थ फंक्शन इज सेक इनवर्स एक्स एंड सिक्स्थ फंक्शन इज कोसेक इनवर्स एक्स। जी हाँ, ये जो छह फंक्शंस हैं, इन छह फंक्शंस की कहानी समझ में आ गई तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री समझ में आ गई। अगर कोई मुझसे पूछे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में होता क्या है, कैसे बताओगे व्हाट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट, तो मैं बोलूंगा कि यार इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है कहानी छह इनवर्स फंक्शंस की। तो अगर कोई मुझसे पूछे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या है, तो मैं कहूंगा ये कहानी है छह इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, छह इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, छह इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की कहानी है छह इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या है, कहानी है साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, सीकेंट इनवर्स एक्स एंड कोसेकेंट इनवर्स एक्स की। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं, पहले फंक्शन को स्टडी करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि जो साइन इनवर्स एक्स है ना, अच्छा पहला फंक्शन कौन सा है, पीछे चला गया, हाँ साइन इनवर्स एक्स,
साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स जो है ना, इसको यार ऐसे भी लिख देते हैं, आर्क साइन एक्स, साइन इनवर्स एक्स को आर्क साइन एक्स भी लिख देते हैं, ठीक है। बिहेव कैसे करते हैं इनवर्स फंक्शंस, आपको मालूम भी होगा कि जैसे साइन पाई बाय फोर की वैल्यू है ना, साइन पाई बाय फोर की वैल्यू वन बाय रूट टू है, तो साइन इनवर्स क्या करेगा, वन बाय रूट टू को लेगा और पाई बाय फोर को प्रोड्यूस कर देगा, वन बाय रूट टू इनपुट की तरह लेगा और पाई बाय फोर आंसर दे देगा, ठीक है ना। तो साइन और साइन इनवर्स में ये रिलेशन समझ में आनी चाहिए कि साइन का जो इनपुट है साइन इनवर्स का आउटपुट हो जाएगा, और साइन का जो आउटपुट है वो साइन इनवर्स का इनपुट हो जाएगा, ठीक है। और ये तो चलो एक मोटे तौर पे मैंने बात बताई आपको, है ना। साइन इनवर्स फंक्शन जो है ना, उसका जो आंसर अपने को है, उसकी जो रेंज है ना, उसकी रेंज माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू होती है, और डोमेन जो है वो माइनस वन से वन होती है, ठीक है। डोमेन और रेंज याद होने चाहिए आपको सारे इनवर्स फंक्शंस के, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। अगर डोमेन, रेंज और ग्राफ अच्छे से क्लियर हैं तो मुझे लगता है बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो फंक्शंस की है वो आपकी पक्की है, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स फंक्शन की डोमेन क्या है, माइनस वन से वन। डोमेन बोले तो एक्स की वैल्यूज, एक्स की वैल्यूज क्या है, माइनस वन से वन होनी अलाउड है यहाँ पे, ठीक है। और जो ये आउटपुट देगा ना साइन इनवर्स एक्स, ये बात यहाँ पे ठान लीजिए कि माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू आउटपुट देता है, ठीक है। क्योंकि एक रिवीजन क्लास है, इसमें सारी डिटेल्ड जानकारी मैं नहीं दे सकता, है ना। ये तो एक लेक्चर में अपने को रिवाइज करना है, तो ब्रशअप करनी है चीज़ें, ठीक है। तो यार आपको मालूम होगा कि डोमेन माइनस वन से वन होती है, याद कर लीजिए अगर याद नहीं है तो, रेंज माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू होती है। ग्राफ अगर बनाते हैं ना साइन इनवर्स एक्स का, तो इनके साथ के साथ ग्राफ बना देता हूँ, ग्राफ याद कर लीजिए। ग्राफ इसका कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ऐसा बनता है, ठीक है ना। एक्स की वैल्यू माइनस वन से एक्स की वैल्यू वन तक ग्राफ बनता है, ठीक है। और एक्स की वैल्यू माइनस वन पे माइनस पाई बाय टू आउटपुट आता है, और एक्स की वैल्यू वन पे पाई बाय टू आउटपुट आता है, ठीक है। कोस इनवर्स एक्स फंक्शन को आर्क कोस एक्स भी बोलते हैं। डोमेन माइनस वन से वन होती है, आप कोस इनवर्स एक्स में एक्स की जगह पे माइनस वन से वन के ही इनपुट डाल सकते हो। कोस इनवर्स की जो रेंज है वो जीरो से पाई होती है, आपको जीरो से पाई, क्लोज जीरो से पाई, इस इंटरवल के बाहर रेंज नहीं देनी है कोस इनवर्स की। एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई पूछता है कि कोस इनवर्स माइनस रूट थ्री बाय टू कितना होगा, तो दोस्तों कोस इनवर्स माइनस रूट थ्री बाय टू को बोलेंगे ये 5 पाई बाय 6 होगा। ये 5 पाई बाय 6 मैंने क्यों बोला है, क्योंकि एक बात तो कोस 5 पाई बाय 6, कोस 5 पाई बाय 6 माइनस रूट थ्री बाय टू होता है, तो कोस इनवर्स माइनस रूट थ्री बाय टू कितना हो जाएगा, 5 पाई बाय 6 हो जाएगा। और दूसरी बात, मुझे आंसर जीरो से पाई के बीच में देना था, तो जीरो से पाई के बीच में इकलौती ऐसी वैल्यू है जिसका कोस लेने पे माइनस रूट थ्री बाई टू आ जाए, तो इसका मतलब कोस इनवर्स माइनस रूट थ्री बाई टू कितना हो गया, फाइव पाई बाय सिक्स हो गया, ठीक है। तो यार आई होप आपको मालूम चल गया होगा कि कोस इनवर्स एक्स की डोमेन माइनस वन से वन क्लोज है, रेंज क्लोज जीरो से पाई है। ग्राफ अगर बनाते हैं, ग्राफ याद कर लीजिए अगर नहीं याद है तो, सबसे पहला काम होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री सीखने के लिए कि छह इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन, रेंज, ग्राफ और उनका बिहेवियर समझ में आ जाए, ठीक है। बिहेवियर तो एकदम साफ है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनका इनवर्स फंक्शन की तरह ये काम करते हैं, इनकी डोमेन और रेंज का बस हमें ध्यान रखना होता है। बात अगर ग्राफ की करें तो कोस इनवर्स का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। ये हमारा माइनस वन है, ये वन है, माइनस वन पे पाई आउटपुट आता है। अगर आप कोस इनवर्स माइनस वन पूछेंगे तो पाई आंसर आएगा, कोस इनवर्स वन पूछेंगे तो जीरो आंसर आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि साइन इनवर्स फंक्शन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, कोस इनवर्स फंक्शन एक डिक्रीजिंग फंक्शन है दोस्तों, ठीक है। मूव करते हैं आगे, नेक्स्ट फंक्शन है टैन इनवर्स एक्स। टैन इनवर्स एक्स के इनपुट देखोगे तो ऑल रियल नंबर होते हैं, क्योंकि टैन का आउटपुट, टैन का आउटपुट रियल नंबर होता है, ठीक है ना। टेन एक्स की जो रेंज होती है ना, टेन एक्स की जो रेंज होती है, टेन एक्स की रेंज ऑल रियल नंबर्स होते हैं, तो टेन इनवर्स की डोमेन हो जाएगी ऑल रियल नंबर्स, ठीक है ना। जो टेन की रेंज थी वो टेन इनवर्स की डोमेन बन गई, ठीक है जी। ये बात अपने को समझनी है, तो जो टेन फंक्शन है उसकी रेंज ऑल रियल नंबर होती है, तो टेन इनवर्स की जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर हो जाएगी, ठीक है। हमें टेन इनवर्स की जो रेंज है वो यहाँ पे देखिए लिखी हुई है माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि आउटपुट जो है टैन इनवर्स के जो आउटपुट है वो माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, इस इंटरवल में, ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय टू से
पाई बाय टू में होने चाहिए, ठीक है। माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू जो ओपन इंटरवल है, टैन इनवर्स की जो रेंज है वो माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू ओपन इंटरवल है, तो जो भी आंसर आप टैन इनवर्स का दें वो माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पूछूं आपसे टैन इनवर्स माइनस वन कितना है तो माइनस पाई बाय फोर, अगर मैं आपसे पूछूं टैन इनवर्स वन कितना है तो प्लस पाई बाय फोर। कहने का मतलब जो भी आंसर आप देंगे वो इस इंटरवल में देंगे, ठीक है। सारे इनपुट्स के करस्पॉन्डिंग इस इंटरवल में आउटपुट मिल जाएंगे आपको, क्लियर है जी। तो रेंज एकदम क्लियर होनी चाहिए, डोमेन एकदम क्लियर होनी चाहिए। ग्राफ अगर बनाते हैं अपन, टैन इनवर्स का ग्राफ बनाते हैं ना, टैन इनवर्स का ग्राफ बनाते हैं तो टैन इनवर्स का ग्राफ बनाते हैं तो एक बात तो क्लियर है कि माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में ग्राफ बनेगा, ठीक है ना। माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच ऐसा ग्राफ बनता है, ग्राफ एकदम याद होना चाहिए। ये लीजिए माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में ग्राफ बनता है। ये जो पॉइंट है ये जीरो कोमा माइनस पाई बाय टू है, ये जो पॉइंट है ये जीरो कोमा पाई बाय टू है, क्लियर है। कोट इनवर्स का ग्राफ बनाओगे ना, कोट इनवर्स का ग्राफ डिक्रीजिंग होता है, कोट इनवर्स का ग्राफ डिक्रीजिंग होता है, टैन इनवर्स का जो ग्राफ है वो इंक्रीजिंग ग्राफ होता है, ठीक है। कोट इनवर्स की जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर्स होती है, जो इनपुट्स है ना कोट इनवर्स के अंदर कोई भी एक्स एज एन इनपुट डाला जा सकता है। रेंज इस फंक्शन की ओपन जीरो से पाई होती है, यार ये याद होनी चाहिए, मैं तो रिवाइज करवा रहा हूँ। ये जो लेक्चर है उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में कुछ कुछ चीज़ें पहले से सीख रखी हों और उसके बाद फिर एकदम से चैप्टर को रिवाइज करना हो, एकदम से चैप्टर को रिवाइज करना हो तो जैसे जैसे मैं बातें बता रहा हूँ उनको लगेगा अरे 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 ये तो सब रिवाइज हो गया। सिंगल शॉट में अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रिवीजन करनी है, सिंगल शॉट में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रिवीजन करनी है तो रिवीजन करने के लिए बेहतरीन लेक्चर है ये, ठीक है। ये रिवीजन करने के लिए लेक्चर है। अगर आप कोट इनवर्स के ग्राफ को देखोगे यार, तो कोट इनवर्स का जो ग्राफ होता है दोस्तों वो ऐसा कुछ ग्राफ होता है, ठीक है। जीरो से लेकर के पाई, ये वाला पॉइंट देखोगे तो दिस पॉइंट इज जीरो कोमा पाई। रेंज जो होती है कोट इनवर्स की वो ओपन जीरो से पाई होती है, डोमेन क्या होती है ओल्ड रियल नंबर, आई होप आपको मालूम चल गया होगा। फिर से बोल देता हूं मैं, अगर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन सोल्व करना है, सारी बातों को डिटेल में कॉन्सेप्चुअली समझना है, तो सबसे पहले आपको छह इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, सेकेंड इनवर्स एक्स एंड कोसेकेंड इनवर्स एक्स, इन छह इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन, रेंज, इनके बिहेवियर और ग्राफ की जानकारी होनी बेहद जरूरी है, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट फंक्शन की तरफ, सेकेंड इनवर्स एक्स फंक्शन की तरफ, है ना। आपको मालूम होगा कि जो सेकेंट एक्स है, सेकेंट एक्स की जो रेंज होती है वो माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन यूनियन वन से इन्फिनिटी होती है, तो इस बिहाफ पे मैं बोल सकता हूँ कि जो सेकेंट इनवर्स की जो डोमेन होगी, सेकेंट इनवर्स की जो डोमेन होगी वो माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन क्लोज्ड यूनियन क्लोज्ड वन से इन्फिनिटी होगी मेरे दोस्तों। और सिमिलर तरीके से सीकेंट की और कोसिकेंट की रेंज सेम होती है, तो सीकेंट इनवर्स एक्स की और कोसिकेंट इनवर्स एक्स की डोमेन यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल सेम लिखी हुई है। आप इन दोनों फंक्शंस के अंदर इनपुट जो वैलिड इनपुट्स हैं उनको डोमेन बोलते हो ना, तो डोमेन है वैलिड इनपुट्स वही होंगे, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन क्लोज्ड यूनियन वन से इन्फिनिटी, देख लीजिए डोमेन यहाँ पे दोनों की सेम है। अगर आप कोई माइनस वन से वन के बीच का नंबर पुट करते हो, अगर आप सीकेंट इनवर्स के अंदर माइनस वन से वन के बीच का नंबर पुट करते हो तो बात हो जाएगी गड़बड़, एकदम लोचा लफड़ा हो जाएगा भैया, लोचा लफड़ा हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, कुछ भी हो चाहे आंधी आए, तूफान आए, भूकंप आए, जो कुछ भी आए, सीकेंट इनवर्स के अंदर माइनस वन से वन के बीच का नंबर नहीं रखना है। कोई कनपट्टी पे बंदूक रख दे तो भी सीकेंट इनवर्स के अंदर माइनस वन से वन के बीच का नंबर नहीं रखना है, बहुत बड़ा क्राइम हो जाएगा, नॉट डिफाइंड क्वांटिटी होगी, नॉट डिफाइंड क्वांटिटी होगी। तो सीकेंट इनवर्स के अंदर दोस्तों माइनस वन से वन के बीच का नंबर नहीं रखना है। और सिमिलर तरीके से कोसिकेंट इनवर्स का इनपुट भी माइनस वन और वन के बीच में नहीं आएगा रे बाबा, ठीक है। आउटपुट्स की बात करें, सीकेंट इनवर्स की जो रेंज होती है वो जीरो से पाए एक्सेप्ट पाए बाय टू होती है, कोसिकेंट इनवर्स की जो रेंज होती है वो माइनस पाए बाय टू से पाए बाय टू एक्सेप्ट जीरो होती है। दोस्तों ये जो सीकेंट इनवर्स एक्स कोसिकेंट इनवर्स एक्स है, अभी के अभी इनकी डोमेन याद हो जानी चाहिए, अगर आपको याद नहीं है तो
रेंज भी याद हो जानी चाहिए अगर आपको नहीं याद है तो। आपको बता दूं कि सीकेंट इनवर्स एक्स का आंसर अपने को इस इंटरवल के अंदर ही देना है, इसके बाहर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, लोचा लफड़ा हो जाएगा। और कोसिकेंट इनवर्स का जो आंसर है वो अपने को इस इंटरवल के अंदर ही देना है, करेक्ट है। अगर ग्राफ बनाते हैं ग्राफ याद होना चाहिए। हमेशा मेरा मानना है कि बेसिक फंक्शंस के जो ग्राफ है ना वो एकदम रटे हुए होने चाहिए यार। बेसिक फंक्शंस कौन से हुए, चाहे 6 ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन हुए, चाहे 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन हुए, चाहे यूं कह लो आप लॉग फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गए, पॉलिनोमियल फंक्शन के ग्राफ की जानकारी होनी चाहिए। जो बेसिक फंक्शंस होते हैं उनके ग्राफ तो दिमाग में छपे होने चाहिए यार। ग्राफ डोमेन रेंज की जानकारी है तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है और उसके बिहाफ पे क्वेश्चन सॉल्विंग और आगे की चीज़ें समझना बेहद आसान हो जाता है। यहाँ पे देखिए रेंज जो है वो 0 से पाए है और पाए बाय 2 को हटाना है हमको, ठीक है। रेंज क्या है, 0 से पाए, ठीक है ना। ये देखिए 0 से पाए, ये लाइन लगा दी मैंने पाए की, ठीक है। ग्राफ जो होगा वो इसके बीच में होगा और ग्राफ ये पाए बाय 2 वाली लाइन भी लगा दी मैंने, है ना। ये लाइन है y इक्वल टू पाए वाली, ये लाइन है y इक्वल टू पाए बाय 2 वाली, ठीक है। है यहाँ पे अच्छे से नहीं आ रहा, वापस लिख देता हूँ मैं, लाल रंग से रंग भर देंगे, लाल रंग से रंग भर देंगे तो अच्छा दिखेगा, है ना। ये लाइन लगा दी यार 0 से, हाँ ये 0 से पाए के बीच में ग्राफ होगा, ठीक है ना। तो आई होप बात समझ में आ रही होगी आपको, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ है, डोमेन का कोई भी एलिमेंट -1 से 1 के बीच में नहीं है। तो डोमेन का कोई भी एलिमेंट -1 से 1 के बीच में नहीं है ना, तो -1 से -1 के बीच में ग्राफ नहीं बनेगा, ठीक है। अगर मैं सीकेंट इनवर्स 1 की सीकेंट इनवर्स 1 पूछूं आपसे, सीकेंट इनवर्स 1 कितना है, तो दोस्तों सीकेंट इनवर्स 1 0 होता है। सीकेंट इनवर्स 1 0 क्यों होता है, क्योंकि सीकेंट 0 1 होता है, ठीक है। तो 1 पे 0 होगा, मतलब 1 पे ग्राफ यहां से शुरू होगा, ठीक है। अगर मैं वैल्यू को 1 से बड़ा करूं, अगर मैं वैल्यू को 1 से बड़ा करूं, जैसे 2 कर दूं, तो सीकेंट इनवर्स 2 कितना होगा, सीकेंट इनवर्स 2 होगा पाए बाय 3, ठीक है ना। ये आपने बढ़ाया तो ये बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। ऐसा हो जाएगा ग्राफ, ऐसा हो जाए तो इसका जो ग्राफ होता है, अगर ध्यान से देखेंगे ना अपन, ऐसा ग्राफ होता है दोस्तों। सीकेंट इनवर्स का जो ग्राफ होता है वो ऐसा ग्राफ होता है, ठीक है। सीकेंट इनवर्स 1 0 होता है, ठीक है ना। सीकेंट इनवर्स 1 क्या होता है, 0 होता है और उसके बाद फिर 1 के बाद अगर आप इनपुट को बढ़ाते हो, 1 के बाद इनपुट को बढ़ाते हो तो आउटपुट भी हमारा बढ़ता चला जाता है, करेक्ट है। मूव करते हैं आगे, कोसिकेंट इनवर्स का ग्राफ अगर बनाएं तो कोसिकेंट इनवर्स का जो ग्राफ है वो रेंज देखिए माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में बनेगा जी, माइनस पाई बाय 2 है ना, से पाई बाय 2। तो ये पाई बाय 2 वाली लाइन लगा दी मैंने और यहाँ लगा दी मैंने माइनस पाई बाय 2 वाली लाइन, ठीक है। ये वाई इक्वल टू पाई बाय 2 की लाइन लगा दी, ये वाई इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 वाली लाइन लगा दी, ठीक है। और माइनस 1 से -1 से 1 के बीच में तो ग्राफ नहीं आएगा, -1 से 1 के बीच में ग्राफ नहीं आएगा। अगर 1 की बात करें, मैं आपसे अगर पूछूं कि कोसिकेंट इनवर्स 1 कितना होगा, तो ये पाई बाय 2 होगा। क्यों, क्योंकि कोसिकेंट पाई बाय 2 हमारा 1 होता है तो कोसिकेंट इनवर्स 1 कितना होगा, पाई बाय 2 होगा। आगे मूव करके जाएंगे तो ऐसा ग्राफ बनता है, ठीक है। कोसिकेंट इनवर्स -1 -π/2 होता है यार, कुछ यूं ग्राफ बनता है, ठीक है। आई होप आपको सीकेंट इनवर्स एक्स और कोसिकेंट इनवर्स एक्स का ग्राफ समझ में आ गया होगा, क्लियर है जी, ठीक है। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपके सामने हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपके सामने हैं, 6 आपके इनवर्स सर्कुलर फंक्शन आपके सामने हैं, है ना। साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, सीकेंट इनवर्स एक्स एंड कोसिकेंट इनवर्स एक्स, ठीक है। एंड आई होप उनके ग्राफ एकदम आपको, डोमेन रेंज और ग्राफ एकदम आपको क्लियर होंगे, ठीक है। अगर इतनी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई है, फिर आगे चलने का मजा आएगा। बता दूं आपको,
पहले छह इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन रेंज ग्राफ और उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग कैसे बिहेव करते हैं, इनपुट डालेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, ये क्लियर होना जरूरी है, फिर हम आगे मूव करेंगे तो ज्यादा मजा आने वाला है। ठीक है, अब जैसे हमारे ट्रिग्नोमेट्री में हमने सीखा था पहले छह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर उनकी प्रॉपर्टीज सीखी थी कि यार साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स वन होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स वन होता है। तो जैसे जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्रॉपर्टीज होती हैं दोस्तों, कुछ उसी प्रकार से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की भी प्रॉपर्टीज होती हैं। यहाँ पे देखिए ये प्रॉपर्टी नंबर वन है, तो अभी मैं आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्रॉपर्टी रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि अगर आप साइन इनवर्स एक्स को और कोस इनवर्स एक्स को ऐड करते हो, साइन इनवर्स एक्स को और कोस इनवर्स एक्स को ऐड करते हो तो पाई बाय टू मिलेगा, टैन इनवर्स एक्स और कोट इनवर्स एक्स को ऐड करते हो आंसर पाई बाय टू आएगा, कोसेक इनवर्स एक्स और सीकेंट इनवर्स एक्स को ऐड करते हो तो आंसर पाई बाय टू आएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है ना। प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आप साइन इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स एक्स को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, पाई बाय टू आएगा। साइन इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स एक्स को ऐड करेंगे तो आंसर पाई बाय टू आने वाला है, टैन इनवर्स एक्स को कोट इनवर्स एक्स को ऐड करेंगे आंसर पाई बाय टू आएगा, कोसेकेंट इनवर्स एक्स और सीकेंट इनवर्स एक्स को ऐड करने पर भी आंसर कितना आएगा, पाई बाय टू आएगा। ठीक है, ये बड़ी सिंपल प्रॉपर्टी है, बेसिक प्रॉपर्टी है। फिर से बता दूं, साइन इनवर्स कोस इनवर्स का जोड़ पाई बाय टू होता है, टेन इनवर्स कोट इनवर्स का जोड़ पाई बाय टू होता है, सीकेंट इनवर्स और कोसेकेंट इनवर्स एक्स का जोड़ भी पाई बाय टू होता है। ठीक है, तो चलिए ये बात समझ में आ गई, और ये बात यहाँ पे समझना जरूरी है कि ये प्रॉपर्टी तभी वैलिड होगी जब साइन इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स एक्स डिफाइंड होंगे, मतलब एक्स जो होगा वो इनकी डोमेन में होगा। ठीक है, और इनकी डोमेन क्या है, इनकी डोमेन ये देखिए माइनस वन से वन। ठीक है, यहाँ पे एक्स इनकी डोमेन के अंदर होना जरूरी है और यहाँ पे एक्स इनकी डोमेन के अंदर होना जरूरी है। प्रॉपर्टी नंबर वन आई होप एकदम क्लियर होगी। मूव करते हैं प्रॉपर्टी नंबर टू की तरफ। प्रॉपर्टी नंबर टू का कहना है कि अगर आप साइन इनवर्स के अंदर माइनस एक्स रखोगे तो ये माइनस बाहर आ जाता है। तो दोस्तों साइन इनवर्स माइनस एक्स जो होता है ना, ये माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स के बराबर होता है। ऑब्वियस बात है, एक्स इसकी डोमेन के अंदर का कोई एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, यहां फिर से बता दूं आपको कि साइन इनवर्स के अंदर माइनस होगा तो उस माइनस को खींच के बाहर ला सकते हो। tan inverse माइनस एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स होता है ना, cosecant इनवर्स माइनस एक्स माइनस cosecant इनवर्स एक्स होता है। यहाँ पे ये बात फील की जा सकती है, फंक्शंस आपने सीख लिया है तो ये बात फील की जा सकती है कि जो साइन इनवर्स एक्स है, जो tan इनवर्स एक्स है ना, साइन इनवर्स एक्स tan इनवर्स एक्स और cosec इनवर्स एक्स दे आर ओड फंक्शंस। ये हमारे ओड फंक्शंस हैं। कैसे फंक्शंस हैं? ओड फंक्शंस हैं। ठीक है, साइन इनवर्स टैन इनवर्स कोसेक इनवर्स ये ओड फंक्शन है, क्योंकि ओड फंक्शन बड़े मस्त फंक्शन होते हैं। ओड फंक्शन बड़े मस्त होते हैं, उनके अंदर माइनस होगा ना तो वो माइनस को बाहर फेंक देंगे, बोलेंगे जा बे तू बाहर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ये जो कोस इनवर्स एक्स फंक्शन है, कोट इनवर्स एक्स फंक्शन है और सीकेंट इनवर्स फंक्शन है, इनका बड़ा मस्त सीन रहता है। इनके अंदर अगर आप माइनस एक्स डालते हो तो ये माइनस को सीधा बाहर नहीं भेजते, ये बोलते हैं कि पाई माइनस हो करके हमारा गेम हो जाएगा यहाँ पे। कैसे यार, देखो कोस इनवर्स माइनस एक्स है ना, यहाँ पे देखिए कोस इनवर्स माइनस एक्स जो है, कोस इनवर्स माइनस एक्स है वो होता है पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स के बराबर। सिमिलरली कोट इनवर्स माइनस एक्स को पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स ऐसे लिख सकते हैं, सीकेंट इनवर्स माइनस एक्स को पाई माइनस सीकेंट इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो यार साइन इनवर्स टैन इनवर्स कोसेक इनवर्स का अलग गेम रहता है, कोस इनवर्स कोट इनवर्स और सीकेंट इनवर्स का अलग गेम रहता है, इसलिए मैंने इन तीन भाइयों को अलग से लिखा है और इन तीन भाइयों को अलग से लिखा है। ठीक है, बता दूं आपको कोस इनवर्स माइनस एक्स जो है ना वो पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स के बराबर है ना, कोट इनवर्स माइनस एक्स जो है वो पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स के बराबर है और सीकेंट इनवर्स माइनस एक्स दोस्तों पाई माइनस सीकेंट इनवर्स एक्स के बराबर है। यहाँ पे कोस इनवर्स कोट इनवर्स सीकेंट इनवर्स ना ही ओड फंक्शन है ना ही इवन फंक्शन है, थोड़े निराले अलग प्रकार के फंक्शंस हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, देखिए अपने को दो ही चीजें करनी है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, दो बातें समझ में आ गई। पहली बात तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में डोमेन रेंज अंडरस्टैंडिंग इनकी अच्छे से ग्राफ ये समझ में आ जाए, प्लस उसके बाद प्रॉपर्टीज समझ में आ जाए, तो भन्नाट तरीके से सवाल सोल्व हो जाएगा आपसे, सवाल ना सोल्व वैसा हो नहीं सकता। ये दो बातों पे आप काबू रखिएगा, आप अपनी कमांड बनाइएगा।
बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई हमारी, डोमेन रेंज ग्राफ हो गया, प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, सेकंड प्रॉपर्टी है ये। इस प्रॉपर्टी में बताया गया है कि अगर इनके अंदर माइनस एक्स डाल दें तो इनका बिहेवियर कैसा होता है। पहली प्रॉपर्टी में बताया गया था कि इनको जोड़ दें तो कैसा बिहेवियर होता है, कौन किसके साथ जुड़ के लविंग बनता है। साइन इनवर्स कोस इनवर्स के साथ लविंग बनता है, जुगलबंदी है ना, जुगलबंदी है ये। यहाँ ये कौन सी प्रॉपर्टी है, जुगलबंदी प्रॉपर्टी है, यहाँ जुगलबंदी है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात है। साइन इनवर्स की जुगलबंदी कोस इनवर्स के साथ है, टैन इनवर्स की कोट इनवर्स के साथ है, सीकेंट इनवर्स की कोसिकेंट इनवर्स के साथ है। ठीक है, मूव करते हैं आगे प्रॉपर्टी नंबर तीन पे। प्रॉपर्टी नंबर तीन का ये कहना है कि साइन इनवर्स एक्स के आगे अगर साइन लग जाए तो आंसर आता है एक्स, मगर एक्स को साइन इनवर्स की डोमेन के अंदर होना जरूरी है। ऑब्वियस सी बात है, एक्स साइन इनवर्स में डाला हुआ है तो इज्जत करनी पड़ेगी साइन इनवर्स एक्स की, है ना, इज्जत करनी पड़ेगी, तो डोमेन के अंदर ही तो होना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे बात समझनी है अपने को कि जो साइन इनवर्स एक्स है ना, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स यार ये एक्स के बराबर होता है, एक्स अगर हमारा माइनस वन से वन हो तो। ठीक है जी, उसी प्रकार से कोस इनवर्स एक्स के आगे कोस लगा दोगे तो आंसर एक्स आ जाएगा, टैन इनवर्स एक्स के आगे टैन लगा दोगे तो आंसर एक्स आ जाएगा, कोट इनवर्स एक्स के आगे कोट लगा दोगे तो आंसर एक्स आ जाएगा, सीकेंट इनवर्स एक्स के आगे सीकेंट लगा दोगे तो आंसर एक्स आ जाएगा। यहाँ पे ये बात ध्यान रखें कि हमें इन फंक्शंस की इज्जत रखनी पड़ेगी, जो एक्स है वो डोमेन में ही होना चाहिए, एक्स टैन इनवर्स के डोमेन में होना चाहिए। तो ये यहाँ पे इनवर्स फंक्शंस की डोमेन लिख दी है बस। ठीक है, उसी प्रकार से कोसेक इनवर्स एक्स के आगे अगर आप कोसेक लगा दोगे ना, आंसर एक्स आ जाएगा, है ना, ये हमारी कोसेक इनवर्स की डोमेन को फॉलो करते हुए होने चाहिए एक्स। ठीक है, तो यार ये बड़ी मस्त प्रॉपर्टी है कि एक इनवर्स फंक्शन के आगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगा दोगे तो आंसर एक्स आएगा, और हो भी क्यों ना। यहाँ पे देखिए, ये ए सेट है, ये बी सेट है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ से यहाँ गए आपने लगा दिया साइन इनवर्स फंक्शन लगा दिया, तो ये बन गया यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स, क्या बन गया साइन इनवर्स एक्स। अब वापस यहाँ से यहाँ लेके जाओगे, वापस यहाँ साइन इनवर्स से गए हो तो यहाँ आपको साइन से जाना पड़ेगा, तो ऑब्वियस ही बात है ये इनपुट का ये आउटपुट है, और ये एज ए इनपुट डालोगे तो फिर ये निकल जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका इनवर्स फंक्शन है ये। ठीक है, तो मतलब फाइनली एक्स से चले फिर साइन इनवर्स बना फिर वापस एक्स बन गया। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात है। तो अगर आपने इनवर्स फंक्शन को अच्छे से स्टडी किया है फंक्शन चैप्टर में, तो ये बात आपको ऑटोमेटिकली और बहुत ही तुरंत समझ में आ जाएगी, बहुत ही कम टाइम में समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर तीन क्या कहना चाहती है, इनवर्स के ऊपर फंक्शन लगा हो तो कैसे डील करना है, एक्स आ जाता आंसर। ठीक है, साइन इनवर्स पे साइन लगा हो, कोस इनवर्स पे कोस लगा हो, टैन इनवर्स पे टैन लगा हो, तो कैसा बिहेवियर होता है। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर फोर मस्त प्रॉपर्टी है। यहाँ पे देखिए, प्रॉपर्टी नंबर तीन में ना साइन इनवर्स के ऊपर साइन लगा था, लेकिन यहाँ पे साइन के ऊपर साइन इनवर्स लगा है, यहाँ पे पोजीशन बदल दी, साइन यहाँ साइन इनवर्स यहाँ पे था, अगली में साइन इनवर्स आगे आ गया और साइन पीछे आ गया। ठीक है ना, मतलब साइन एक्स के ऊपर साइन इनवर्स लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए, कोस एक्स के ऊपर कोस इनवर्स लगा हुआ है, टैन एक्स के ऊपर टैन इनवर्स लगा हुआ है, कोट एक्स के ऊपर कोट इनवर्स लगा हुआ है, सीकेंट एक्स के ऊपर सीकेंट इनवर्स लगा हुआ है, कोसिकेंट एक्स के ऊपर कोसिकेंट इनवर्स लगा हुआ है। ठीक है, तो यार इनको अगर अपन ध्यान से देखते हैं ना, तो यहाँ पे देखिए एक्स आंसर आ रहा है, चाहे आप इनवर्स पे ये ट्रिग्नोमेट्रिक लगा लो या ट्रिग्नोमेट्रिक पे इनवर्स लगा लो। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए, इनवर्स पे ट्रिग्नोमेट्रिक लगा लो या ट्रिग्नोमेट्रिक पे इनवर्स लगा लो, आंसर एक्स ही आ रहा है। आंसर क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है। ठीक है, एक शर्त यहाँ पे, एक खास बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे x में ध्यान रखना होता है कि इनवर्स फंक्शन के डोमेन से होना चाहिए, और यहाँ पे खास बात क्या ध्यान रखना होता है कि ये जो इनवर्स फंक्शन लगा है ना, इस इनवर्स फंक्शन की रेंज की भी आपको इज्जत रखनी पड़ेगी। फाइनल फंक्शन इनवर्स है, तो ये जो x आया है ये साइन इनवर्स की रेंज के अंदर होना चाहिए, मतलब साइन इनवर्स की रेंज कितनी होती है, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू होती है, तो ये जो x है ये माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू होना चाहिए। कोस इनवर्स की क्या रेंज होती है, जीरो से पाई होती है, तो ये जो एक्स है ये कोस इनवर्स की रेंज के अंदर होना चाहिए। देखो ये टैन इनवर्स है और यहाँ पे एक्स है, दो फंक्शन तब बराबर होंगे ना जब दोनों की डोमेन रेंज बराबर होगी। ठीक है, तो टैन इनवर्स एक्स जो है, टैन इनवर्स जो फंक्शन है
इसकी रेंज होती है माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जब x की ये जो वैल्यूज़ है ना, x की यहाँ पे वैल्यूज़ मैंने लिखी हैं, इनके करस्पोंडिंग ही अगर ये प्रॉपर्टी लगाओगे आप तो ही ये प्रॉपर्टी वैलिड है, नहीं तो ये प्रॉपर्टी वैलिड नहीं होंगी। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि x यहाँ पे रख ही सकते हो, इसका ये मतलब है कि इसका आंसर x तभी आएगा जब x की वैल्यू माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू होगी। मैं रिपीट कर दूं इस बात को, अब आप लोगों को कहीं कंफ्यूज मत हो जाना। इस प्रॉपर्टी में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इस प्रॉपर्टी में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैं फिर से एक बार बता दूं, मैं ये बोल रहा हूं कि यार यहां पे ना इसका आंसर x तभी लिखना है जब x माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू हो, ठीक है ना। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि x की डोमेन ये होगी, है ना, x की यहाँ पे इस फंक्शन की डोमेन ये होगी, ये इसका कतई मतलब नहीं है। एंड डोमेन तो साइन डिसाइड करेगा ना यार, साइन की डोमेन ऑल रियल नंबर होती है। अगर लेफ्ट हैंड साइड के फंक्शन की डोमेन देखें तो ऑल रियल नंबर है, फंक्शन की डोमेन देखें तो ऑल रियल नंबर है, बट इसका जो आउटपुट है वो x तभी लिखना है जब x माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू हो। आई होप आपको ये रिवीजन हो गई होगी, डिटेल में तो आपने सीखा होगा, यहाँ पे सिर्फ रिवीजन अपन कर रहे हैं, तो एक्सप्लेनेशंस और उन सारी चीज़ों पे बिल्कुल ही बारीकी से तो नहीं जा सकते, ठीक है ना, नहीं तो फिर 10 घंटे का बनेगा वीडियो। ठीक है, तो रिवीजन कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ की, आई होप ये प्रॉपर्टी एकदम क्लियर होगी। इस प्रॉपर्टी को देखो इस्तेमाल कर लेते हैं एक बार, है ना। अगर कोई पूछे साइन इनवर्स साइन फाइव किसके बराबर है, साइन इनवर्स साइन फाइव को 5 के बराबर नहीं रख सकते, क्योंकि 5 ऐसी वैल्यू है जो माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में नहीं होती, तो इसको 5 के बराबर नहीं रख सकते। इसको करना पड़ेगा आपको, इसको कितना करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा 5 माइनस 2 पाई। देखोगे तो कितना हो गया, ये हो गया -1.14 और -1.28, है ना। -1.28 एक ऐसी वैल्यू है जो माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में होती है, है ना। अब आप बोल रहे हो कि 5 माइनस 2 पाई कैसे लिख दिया आपने, मैंने ऐसे लिख दिया यार, देखो साइन इनवर्स साइन 5 लिखा था ना, तो ये जो 5 है ना, इस 5 को मैंने लिख दिया यहाँ पे 5 माइनस 2 पाई। क्यों लिख दिया मैंने, वो इसलिए लिख दिया कि साइन एक्स माइनस टू पाए और साइन एक्स बराबर होते हैं, तो लिख सकता हूं मैं। अब यूं लिखने के बाद ये क्वांटिटी मेरी अब माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के इंटरवल में आ गई, अब मैंने इसका आंसर लिख दिया 5 माइनस 2 पाई। क्लियर है ना। आई होप इस तरीके कई सारे क्वेश्चन आपने किए होंगे तो यार दिमाग में बात आ गई होगी कि हाँ प्रॉपर्टी क्या कहना चाहती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर फाइव ये कहना चाहती है कि कोसेक इनवर्स को आप साइन इनवर्स में बदल सकते हो। कोसेक इनवर्स x को साइन इनवर्स 1/x लिख सकते हो, साइन इनवर्स x को कोसेक इनवर्स 1/x लिख सकते हो। यहाँ पे x की वैल्यूज ऐसी लेनी है कि किसी की डोमेन को कोई परेशानी ना हो, मैथमेटिक्स को कोई परेशानी ना हो। सीकेंट इनवर्स x को कोस इनवर्स 1/x लिख सकते हैं, कोस इनवर्स x को सीकेंट इनवर्स 1/x लिख सकते हैं, ठीक है। तो कोसेक इनवर्स साइन इनवर्स में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पे साइन इनवर्स कोसेक इनवर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है यहाँ पे इजिली, x का यहाँ रेसिप्रोकल 1/x कर दीजिए। सीकेंट इनवर्स यहाँ पे कोस इनवर्स में कन्वर्ट करके दिखा रखा है, कोस इनवर्स कोसेक इनवर्स में कन्वर्ट करके दिखा रखा है। ये प्रॉपर्टी थोड़ी सी इन प्रॉपर्टीज से हटके है। यहाँ पे कोट इनवर्स को टैन इनवर्स में जब कन्वर्ट करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि x पॉजिटिव है या x नेगेटिव है। अगर तो हमारा x पॉजिटिव है तब कोट इनवर्स x टैन इनवर्स 1/x के बराबर डायरेक्टली हो जाता है। कोट इनवर्स x जो है वो टैन इनवर्स 1/x के बराबर हो जाता है। लेकिन अगर x नेगेटिव है उस केस में कोट इनवर्स x जो होता है वो टैन इनवर्स 1/x करके उसमें पाई ऐड करना पड़ता है। x नेगेटिव के केस में कोट इनवर्स x डायरेक्टली टैन इनवर्स 1/x के बराबर नहीं होता, उसमें पाई ऐड करना पड़ता है। तो यार इस प्रॉपर्टी के ऊपर सवाल भी कई बार आ जाते हैं, आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 5 हो गई। प्रॉपर्टी नंबर
पांच हो गए, ठीक है। अच्छा प्रॉपर्टी नंबर सिक्स देखते हैं क्या है। ये प्रॉपर्टी नंबर सिक्स है, प्रॉपर्टी नंबर सिक्स कर लेंगे ना उसके बाद फिर ये वाली स्लाइड आएगी, है ना। इसको नीचे कर देता हूं मैं, ये प्रॉपर्टी नंबर सिक्स के बाद आएगी, हाँ ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर सिक्स का क्या कहना है कि टैन इनवर्स एक्स और टैन इनवर्स वाई अगर जोड़ रखे हो, टैन इनवर्स एक्स और टैन इनवर्स वाई जोड़ रखे हो, तो टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई हो जाता है, अगर एक्स वाई हमारा लेस देन वन हो तो, है ना। ये क्वांटिटी इसके बराबर तभी लिखनी है जब एक्स वाई वन हो तो। अगर एक्स वाई वन से बड़ा हो जाए, एक्स वाई वन से बड़ा हो जाए तो उस केस में, एक्स वाई वन से बड़ा हो जाए तो उस केस में यहाँ पे दो केस बनते हैं, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव का और एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव का। एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हैं तो इसके अंदर प्लस पाई ऐड करना पड़ता है, एक्स और वाई दोनों नेगेटिव हैं और एक्स वाई ग्रेटर देन वन है तो इसके अंदर माइनस पाई ऐड करना पड़ता है। तो टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई माइनस पाई प्लस टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई होता है, अगर एक्स वाई ग्रेटर देन जीरो हो और उसके साथ एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव हो तो, ठीक है। अगर एक्स वाई की वैल्यू वन हो जाए, एक्स वाई की वैल्यू वन हो जाए, एक्स वाई की वैल्यू वन हो जाए उस केस में भी दो केस बनते हैं। एक्स वाई की वैल्यू वन दो प्रकार से हो सकती है, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव रहते हुए, एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव रहते हुए। अगर एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव है और एक्स वाई वन है उस केस में टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई का आंसर पाई बाई टू आता है, और अगर एक्स वाई वन है और एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव है उस केस में टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई का आंसर माइनस पाई बाई टू आता है। तो यार ये प्रॉपर्टी आपको पूरी की पूरी बाउंड्री कंडीशंस के साथ याद करनी होती है। ये जो प्रॉपर्टी होती है ये पूरी की पूरी आपको बाउंड्री कंडीशंस के साथ याद करनी होती है, बाउंड्री कंडीशंस के साथ याद करनी होती है। आप पूरी की प्रॉपर्टी को याद कर लीजिए और उसके बाद फिर क्वेश्चन सॉल्विंग में काफ़ी इस्तेमाल में ये प्रॉपर्टी आती है। यहाँ पे ये सलाह दी जाती है कि ये तीन इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए इनको याद कर लीजिए, ठीक है ना, है ना। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इनको लर्न कर लीजिए आप ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए, लर्न फॉर जेई पेपर, जेई पेपर के लिए इनको याद कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में अगर इन रिजल्ट्स का यूटिलाइज करना पड़ा तो डायरेक्ट आप इनको यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कैसे आए हैं ये, अभी जो प्रॉपर्टी मैंने बताई है इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके आए हैं। देख लीजिए लेफ्ट हैंड साइड अगर मैं इसकी ले लूँ ना, कितनी है, टैन इनवर्स वन प्लस टैन इनवर्स टू प्लस टैन इनवर्स थ्री। तो यहाँ पे देख लीजिए टैन इनवर्स वन कितना होता है, टैन इनवर्स वन तो पाई बाय फोर होता है, ठीक है, और टैन इनवर्स टू प्लस टैन इनवर्स थ्री है ये, है ना। तो टैन इनवर्स टू प्लस टैन इनवर्स थ्री को क्या लिख सकते हैं, ये हो गया टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई, ठीक है। तो इसका जो एक्स और वाई है ना ये पॉजिटिव है और ग्रेटर देन वन भी है, है ना, मतलब एक्स इंटू वाई करके देखें तो ग्रेटर देन वन है। तो एक्स और वाई पॉजिटिव भी है, एक्स और वाई पॉजिटिव भी है और एक्स वाई ग्रेटर देन वन है, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, मतलब टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपन वन माइनस एक्स वाई करके प्लस पाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या कर दिया मैंने यहाँ पे कर दिया टैन इनवर्स एक्स माइनस वाई, है ना, एक्स माइनस वाई कितना है, एक्स प्लस वाई, है ना, एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स इंटू वाई, ठीक है, और प्लस पाई करना पड़ेगा, ठीक है, प्लस पाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया पाई बाय फोर प्लस पाई बाय फोर प्लस टैन इनवर्स फाइव अपॉन माइनस फाइव माइनस वन प्लस पाई, है ना। टैन इनवर्स माइनस वन कितना होता है, ये होता है माइनस पाई बाय फोर। तो आप इजीली देख सकते हो आंसर कितना आ गया, पाई, वही तो मैं बोल रहा था कि इसका आंसर कितना आएगा, पाई आएगा, ठीक है। तो यार ये बात मैं याद रखता हूँ कि टैन इनवर्स वन प्लस टैन इनवर्स टू प्लस टैन इनवर्स थ्री पाई होता है, टैन इनवर्स वन प्लस टैन इनवर्स वन बाई टू प्लस टैन इनवर्स वन बाई थ्री पाई बाई टू होता है। और अब मैंने क्या किया, थर्ड में वन और टू को डिवाइड कर दिया, है ना, वन और टू को जब आप डिवाइड करोगे तो थर्ड आ जाती है, ये तो वन हो गई, है ना। और टैन इनवर्स वन बाई टू यार कोट इनवर्स टू होता है, ये कोट इनवर्स थ्री होता है, और टैन इनवर्स वन और कोट इनवर्स वन एक ही होते हैं। तो इस क्वांटिटी को आप यूं भी लिख सकते हो, कोट इनवर्स वन प्लस कोट इनवर्स टू प्लस कोट इनवर्स थ्री, ठीक है। तो इन दोनों को डिवाइड करोगे तो टू आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो यार इन बातों को ध्यान रख लेते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में डायरेक्ट इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे ये बात तो समझ में आ गई, टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई किसके बराबर होता है, और ये प्रॉपर्टी बेहद इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है यार, इसको अच्छे से याद कर लीजिए, है ना, इन कंडीशंस का इस्तेमाल करके याद कर लीजिए, है ना। बिल्कुल अगर मूड नहीं कर रहा याद करने का तो मैं इतना तो जरूरी कहूंगा कि यार ये तो कम से कम याद कर लो कि ये इसके बराबर होता है ना, एक्स वाई लेस देन वन के केस में, ठीक है। क्या पता डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए तो सोल्व हो जाए, बाकी मेरी सलाह है कि पूरा याद कर लीजिए आप इसको, है ना, मतलब ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है और सिलेबस में है, ठीक है। जिस तरीके से हमने टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई को जोड़ना सीखा है, ऐसे ही हमारे पास दो प्रॉपर्टी और भी होती हैं जिसमें साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई को जोड़ते हैं।
साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई को जोड़ते हैं, कोस इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स वाई को जोड़ते हैं, कोस इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स वाई को जोड़ते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई को जब हम जोड़ते हैं ना यार, तो ये होती है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस ये एक्स और वाई की कुछ खास कंडीशंस में वैलिड होती है, वो सारी कंडीशंस पे नहीं जाऊंगा, कभी यूटिलाइज करनी पड़ जाए तो इतनी सी याद रख लोगे तो बहुत है। ठीक है, मुझे लगता है काम हो जाएगा आपकी बार के पेपर वेपर में। तो कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई जो होता है, ये कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, बस आप इतना इतना याद रख लो तो भी बहुत है। अगर मैं डिटेल में यहाँ बताने लग गया तो यार डिटेल में तो इनके ऊपर मैं एक एक घंटा बोल सकता हूँ। ठीक है, एज ऑफ नाउ रिविजन पॉइंट से इतना याद रख लेंगे तो काफ़ी है, किसी को याद नहीं है तो याद कर लें। यहाँ माइनस होता तो फिर यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं इस प्रॉपर्टी को देखूँ, यहाँ पर टैन इनवर्स एक्स माइनस टैन इनवर्स वाई हो जाए तो y को माइनस वाई से रिप्लेस कर दीजिए, यहाँ माइनस वाई हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा प्लस, बाकी सब जगह पे है ना, y की जगह माइनस वाई कर दो, y की जगह माइनस वाई कर दो, y की जगह जहाँ पे भी है माइनस वाई कर दो, और उसके बाद आप देख लीजिए प्रॉपर्टी नई बन जाएगी आपकी tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की। है ना, आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर से बता देता हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर अपने को tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y डेवलप करना है, अगर अपने को tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y समझना है तो यार इसके अंदर रिप्लेस कर दो x को y की जगह पे और पूरी प्रॉपर्टी डेवलप हो जाएगी। ठीक है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y जो होता है ना, देखो y की जगह माइनस y रख दिया तो यहाँ माइनस tan इनवर्स y आ गया, y की जगह यहाँ माइनस y रखोगे ना तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन वन प्लस एक्स वाई आ जाएगा। ध्यान से देख लें, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज tan इनवर्स x माइनस y अपॉन वन प्लस एक्स वाई। अब यहाँ पे माइनस y रखना पड़ेगा तो ये हो जाएगा आपका एक्स वाई ग्रेटर देन माइनस वन। ठीक है, तो कम से कम इतना तो डायरेक्टली याद कर ही लें। ठीक है जी, मूव करते हैं आगे। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हो गई हैं, आई होप आपको प्रॉपर्टीज की अच्छी रिविजन हो गई होगी। ठीक है, अब क्या होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज भी होती हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज भी होती हैं। है ना, कई बार सीरीज के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, तो जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज जो होती है ना, उनमें जो सवाल सोल्व करना होता है वो इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज में जब क्वेश्चन आता है तो इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके वो क्वेश्चन सोल्व होता है। पहले तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख देता हूँ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज का जो पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड है ना, वो इस प्रॉपर्टी के ऊपर आधारित है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन वन प्लस एक्स वाई। ठीक है ना, इस फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज का पूरा खेल। कैसे कैसे सवाल आते हैं एक बार देख लेते हैं। जैसे कोई बोले कि फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, जैसे कोई बोले फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, ठीक है ना, मैं सम पूछ रहा हूँ, वहाँ पेपर में आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे कोई पूछे कि tan इनवर्स एक्स अपॉन वन प्लस टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस tan इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस यहाँ पे आ गया tan इनवर्स, जस्ट sec, tan इनवर्स x अपॉन वन प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस tan इनवर्स x अपॉन वन प्लस ट्वेल्व एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू 100 टर्म्स। कोई बोले कि सीरीज का सम बताइए आप, अगर कोई आपसे पूछता है इस सीरीज का सम बताइए, तो यार इस सीरीज का सम बड़ा इजीली तरीके से निकाला जा सकता है ना, जब भी हमारे पास tan इनवर्स की सीरीज हो, अभी बातें बताऊंगा उनका इस्तेमाल करके आप सीरीज का सम निकाल सकते हो। और अगर tan इनवर्स की सीरीज ना हो हमारे पास, tan इनवर्स की सीरीज ना हो, साइन इनवर्स या कोस इनवर्स वगैरह की सीरीज होगी ना, तो फिर tan इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ता है, उस केस में फिर सम निकल जाता है। ठीक है, तो कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए आप, कॉन्सेप्ट अगर एकदम क्लियर हो गया
तो यार इस कॉन्सेप्ट को कहीं पे भी अप्लाई कर लेना, ठीक है, किसी भी सीरीज में अप्लाई कर लेना आप, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जहाँ पे इन्वॉल्व होंगे सीरीज में, आप उस सीरीज को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला ये वाला इस्तेमाल करने वाला हूँ मैं, ठीक है, इस फॉर्मूला को रिवर्स करके इस्तेमाल करने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। अब मैं ऐसे लिखूंगा कि tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। क्या हो गया? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। देखिए मैंने क्या कर दिया, tan इनवर्स ये जो ऊपर वाला x है इसको लिख दिया 2x माइनस x, ठीक है, और यहाँ पे नीचे जो है ना, नीचे 2x स्क्वायर है, इसको लिख दिया मैंने 2x इंटू x, इसको लिख दिया 2x इंटू x, ठीक है, प्लस प्लस tan इनवर्स, ये जो 6x स्क्वायर है ना डिनोमिनेटर में, इसको लिख दिया मैंने 3x इंटू 2x, 6x स्क्वायर हो गया, और ऊपर वाले x को लिख दिया मैंने 3x माइनस 2x, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया tan इनवर्स, ये जो 12x स्क्वायर है ना इसको लिख दिया मैंने 4x इंटू 3x, और ऊपर वाला जो x है इसको लिख दिया मैंने 4x माइनस 3x, ठीक है। यूं करते हुए कितनी टर्म्स हो जाएंगी, 100 टर्म्स हो जाएंगी, कितनी टर्म्स हो जाएंगी, 100 टर्म्स हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए tan इनवर्स x माइनस y अपन 1 प्लस xy का फॉर्मूला लग गया, तो ये हो गया tan इनवर्स x माइनस माइनस tan इनवर्स y, ठीक है, ये भी फॉर्मूला लग गया यहाँ पे इस वाली टर्म में भी। तो ये हो गया यार tan इनवर्स 3x माइनस tan इनवर्स 2x, है ना। नेक्स्ट वाली कितनी हो गई, नेक्स्ट वाली टर्म में फॉर्मूला लग गया tan इनवर्स 4x माइनस tan इनवर्स 3x हो गया, ठीक है। यूं करते चले गए तो 100वीं टर्म क्या आ जाएगी, ऑब्जर्वेशन से बोल सकते हैं, यहाँ पे देखो 1x है, 2x है, 3x है, तो 100वीं टर्म में यहाँ पे तो 100x आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे इससे एक फालतू x आ रहा है, तो 101x आ जाएंगे, ठीक है। जब आप इन सबका सम निकालोगे ना, जब इनका सबका सम निकालोगे, देखो ये सब तो कैंसलेशन हो जाएगा इस प्रकार से, और लास्ट में इनका सम निकल के आएगा आपका tan इनवर्स 101x माइनस माइनस tan इनवर्स x। इसमें फिर से tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाओगे तो लगा सकते हो, tan इनवर्स x माइनस y हो गया 100x अपॉन 1 प्लस दिस इंटू दिस 101x स्क्वायर। ये आ गया आपका आंसर, एक ऑप्शन में मिल जाएगा, टिक कर देना। समझ में आ गई बात आपको? तो जब हमको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज का सम निकालना होता है तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है, हमें हर टर्म को स्प्लिट करना होता है, हर टर्म को स्प्लिट करना होता है एज अ डिफरेंस ऑफ टू लविंग टर्म्स, एज अ डिफरेंस ऑफ टू लविंग टर्म्स, ठीक है। और किस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके स्प्लिटिंग करोगे, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके स्प्लिटिंग करोगे। तो समेशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज में एक तो ये फॉर्मूला लगता है, ये इंपॉर्टेंट है, और दूसरी बात क्या करनी है, स्प्लिट करना होता है स्प्लिट द टर्म्स एज अ डिफरेंस ऑफ टू लविंग टर्म्स, दो लविंग टर्म्स के डिफरेंस में तोड़ना होता है। लविंग क्या होता है, लविंग होता है उनका कैंसलेशन का हो जाना। यहां पे ये लविंग डिफरेंस है, लविंग डिफरेंस का मतलब कैंसलेशन जो डिफरेंस करवा दे वो डिफरेंस लविंग होता है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। मूव करते हैं आगे इक्वेशंस इन्वॉल्विंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। यार ऐसे कई सारे सवाल आते हैं कि इक्वेशन दे रखी होती हैं जिनमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं और बोला जाता है कि उन इक्वेशंस को आप सॉल्व करें। जैसे यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखी है कि इस इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिए, तो बेहद ईजी इक्वेशन है। जैसे फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ता है, tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 है ना, इस क्वांटिटी को राइट में ले गया, और जो पाई बाय 4 है ना, पाई बाय 4 को लिख दिया मैंने tan इनवर्स 1, ठीक है, इस क्वांटिटी को ले गया राइट में, ऐसा हो गया, ठीक है। आप क्लियरली देख सकते हो, यहाँ tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला बन गया, ये हो गया tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है। अब देखो tan इनवर्स समथिंग इज इक्वल टू tan इनवर्स दूसरी थिंग, ठीक है। तो यहाँ पे देखो tan इनवर्स सेम होने की बजाय, यहाँ पे tan इनवर्स सेम है, तो ये बोल सकते हो आपकी ये जो क्वांटिटी है ना, इस क्वांटिटी को इस क्वांटिटी के इक्वल होना पड़ेगा, है ना,
इन दोनों को क्या होना पड़ेगा, दोनों को इक्वल होना पड़ेगा। तो x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू मस्ट बी इक्वल टू दिस क्वांटिटी। और इसको सोल्व करेंगे तो देखो कितना आ गया, ये आ गया x प्लस टू माइनस एक्स माइनस वन अपॉन, यहाँ पे एलसीएम लिया ना तो x प्लस टू प्लस एक्स प्लस वन ऐसे आ गया, ठीक है। तो ये कैंसलेशन हो गया, तो लेफ्ट तो यूँ का यूँ है ही, राइट में टू माइनस वन इज वन, एक्स प्लस एक्स टू एक्स प्लस थ्री हो गया, ठीक है, टू प्लस वन थ्री हो गया। क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 2, ठीक है। देखो माइनस 2x प्लस 3x, x होता है ये, x और x कैंसिल हो गया, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में तो 2x स्क्वायर है, ये माइनस 3 इधर आके कितना हो गया, माइनस 3 प्लस 3 हो गया, प्लस 3 प्लस 2 5, तो x स्क्वायर हो गया आपका 5 बाय 2, x स्क्वायर 5 बाय 2 हो गया, तो x कितना हो गया, x हो गया प्लस माइनस रूट फाइव बाई टू, एक्स कितना गया प्लस माइनस रूट फाइव बाई टू। इसने यही बोला था सोल्व द इक्वेशन, जब कभी हमें ऐसा बोला जाए सोल्व द इक्वेशन तो हमको एक्स निकालना होता है, ठीक है। तो कभी इक्वेशन सोल्व करने वाला फंडा अगर आ जाता है ना, फॉर्मूलों का इस्तेमाल करो, स्मार्टली इस्तेमाल करो, सोल्व कर दो, एक्स आ गया, ठीक है। इक्वेशन सोल्व करने वाले सवालों में एक चीज़ और होती है कि जो फाइनल एक्स की वैल्यू आती है ना, कई बार उनमें से कुछ वैल्यू रिजेक्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पे एक्स की दो वैल्यू आई हैं, एक नेगेटिव आई है, एक पॉजिटिव आई है। तो यहाँ पे देखते हैं दोनों वैल्यू एक्सेप्टेबल हैं या कोई रिजेक्ट भी हो रही है। अगर एक्स की वैल्यू माइनस रूट फाइव बाई टू लेते हो ना, माइनस रूट फाइव बाई टू यहाँ पे लिखते हो ना, यहाँ पे लिखते हो, तो ये क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है ना, नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। और ये क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, माइनस रूट फाइव बाई टू कर लिख दें यहाँ पे, माइनस रूट फाइव बाई टू कितना है, माइनस वन से छोटी है क्या, माइनस वन से छोटी है बिल्कुल एकदम, ठीक है। तो देखो एक्स की वैल्यू यहाँ पे दो आई है, एक तो आई है एक्स इक्वल टू प्लस रूट फाइव बाई टू, और एक एक्स आया है आपका माइनस रूट फाइव बाई टू, ठीक है। तो एक्स माइनस रूट फाइव बाई टू को थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, एक्स माइनस रूट फाइव बाई टू यहाँ पे रख दिया ना, तो ये क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगी, और माइनस रूट फाइव बाई टू को यहाँ पे रख दिया ना, तो माइनस रूट फाइव बाय टू, तो ये माइनस वन पॉइंट समथिंग है ना, तो ये क्वांटिटी भी नेगेटिव हो जाएगी। नेगेटिव और नेगेटिव मिलके पॉजिटिव के बराबर नहीं आ सकता, ठीक है। तो जब कभी भी एक्स की वैल्यूज आए ना, तो उनकी बैक चेक करके देखना बड़ा जरूरी है ना, बैक चेक करके देखना बड़ा जरूरी है ना, बाय बैक चेकिंग, मतलब वापस से ओरिजिनल इक्वेशन में डाल के देखना बड़ा जरूरी है, एनालाइज करना बड़ा जरूरी है। बाय बैक चेकिंग दिस इज एक्सेप्टेड, पॉजिटिव वैल्यू से कोई परेशानी नहीं है, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। दिस इज रिजेक्टेड, ये रिजेक्ट कर दिया क्योंकि हमारी ओरिजिनल इक्वेशन में सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना। ये यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है ना, लोग कई बार गलती कर देते हैं, बैक चेक करके नहीं देखते, ठीक है। बाकी कैलकुलेशन आप देख लेना एक बार, करेक्ट है जी। तो इक्वेशन सोल्व करना आ गया अपने को, ठीक है। अब जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन है ना, इसमें कहा गया है कि tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 4। भाई देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सिंपल क्वेश्चन होते हैं, आप थोड़ा सा एनालाइज करोगे, प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये समझ लो आप, उसके बाद गेम खत्म है ना। तो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पे सवाल करा दिया मैंने, सीरीज को सोल्व करना सिखा दिया, प्रॉपर्टी सारी सीख ली, बेसिक सारे सीख लिया, सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, ट्राई तो करके देखो आप। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन अगर सोल्व करने के लिए कोई बोले तो tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 4 इक्वल टू कोट इनवर्स लैम्डा दे रखा है, तो पहले तो यहाँ पे क्या करें अपन, फॉर्मूला लगा देते हैं ये tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई, ठीक है, प्लस पाई करना पड़ेगा क्योंकि x इंटू वाई 1 से बड़ा है और दोनों पॉजिटिव भी हैं, तो दिस इज इक्वल टू कोट इनवर्स लैम्डा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा tan इनवर्स 6 अपॉन ये हो गया 6 अपॉन माइनस 7, ठीक है, प्लस पाई, और प्लस पाई को राइट में ले गया यार मैं, प्लस पाई जो है ना इसको राइट में ले गया, प्लस पाई को राइट में ले गया, तो ये हो गया माइनस पाई प्लस कोट इनवर्स लैम्डा, ठीक है। दोनों तरफ माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टैन इनवर्स 6 बाय 7 आ जाएगा पाई माइनस कोट इनवर्स लैम्डा, और पाई माइनस कोट इनवर्स लैम्डा को लिख सकते हैं कोट इनवर्स माइनस लेमडा, कितना होगा कोट इनवर्स माइनस लेमडा, ठीक है। और टैन इनवर्स 6 बाय 7 को कोट इनवर्स 7 बाय 6 लिख सकते हैं, ठीक है, इसको कोट इनवर्स में कन्वर्ट कर लिया, पाई माइनस कोट इनवर्स लेमडा को कोट इनवर्स माइनस लेमडा कर दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, माइनस लेमडा आ गया 7 बाय 6, तो लेमडा आ गया आपका माइनस 7 बाय 6, खटाक से आंसर आ गया, ठीक है।
भाई हमें क्या करना है, दोनों तरफ सेम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनाना है, उसके बाद सवाल कट से सोल्व हो गया। तो मैं बस इतना बताना चाहता हूं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स अगर क्लियर है ना यार, बेसिक्स क्लियर है तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन सोल्व हो जाता, करेक्ट एकदम। तो चलो मूव करते हैं आगे। कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई प्लस कोस इनवर्स जेड की वैल्यू पाई गिवन है और इसकी वैल्यू पूछी हुई है इस वाली एक्सप्रेशन की, ठीक है ना। यार ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में कभी भी टक्कर सकता है, ठीक है, ठीक ठाक क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई वाली प्रॉपर्टी जो मैंने बताई थी ना अभी, देखो पीछे चलते थोड़ा, ये प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। आप अगर इन दोनों चीज़ों को याद कर लेते हो ना, मतलब दो फॉर्मूला इसमें प्लस माइनस वाले दो इसमें हैं, यार ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, एग्जाम पॉइंट से सीधे इस पे क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर मान लो आपको सीधा फॉर्मूला याद है कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई वाला, तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके ये वाला क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ना छः फंक्शन का डोमेन रेंज ग्राफ बिहेवियर आना चाहिए, है ना, प्रॉपर्टीज आनी चाहिए और क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करें, बस गेम खत्म। सिंपल चैप्टर है, सिंपल चैप्टर, दिमाग में सिंपलिसिटी से सोल्व करना है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई प्लस कोस इनवर्स जेड इक्वल टू पाई, तो मैंने क्या कर दिया, पाई माइनस कोस इनवर्स जेड कर दिया, ठीक है। कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई को लिख सकते हैं कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। पाई माइनस कोस इनवर्स जेड को कोस इनवर्स माइनस जेड ऐसा करके लिख सकते हैं, ठीक है। लेफ्ट में कोस इनवर्स है, राइट में कोस इनवर्स है, ठीक है। दोनों आउटपुट्स बराबर तभी होंगे जब इनपुट्स बराबर दिए हों आपने, तो इनपुट्स जो है इनके बराबर कर दिए, इनपुट्स बराबर कर दिए मेरे दोस्तों। शहरयार वापस लौट के आएगा, ठीक है ना, शहरयार वापस लौट के आएगा, ठीक है ना। मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, मैथ्स का मजा है, लेते रहो, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, ये और ये बराबर हैं ये और ये बराबर हैं, ठीक है। तो क्या किया जाए, अब माइनस जेड को लेफ्ट में ले आओ, माइनस जेड को लेफ्ट में ले आओ, प्लस जेड हो गया। बाकी मसाले को राइट में ले जाओ यार, बाकी ये वाला जो मसाला है इसको राइट में ले गया तो प्लस का हो गया। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, रूट तो हटाना पड़ेगा ना यार, रूट थोड़ी चाहिए मेरे को, अरे भाई मेरे को रूट थोड़ी चाहिए, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, इसमें रूट कहीं पे भी नहीं है, रूट तो हटाना पड़ेगा। रूट जब हट जाएगा तो मजा आएगा, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी तो ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई जेड इक्वल टू, यहाँ का रूट हटाओगे तो वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस वाई स्क्वायर आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये वाला एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इस वाले एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से जैसे ही कैंसिल हो गया, रीअरेंज कर लो चीजों को लेफ्ट राइट में, इनको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लोगे तो मजा आ जाएगा। क्या बोल रहा हूँ मैं ये बोल रहा हूँ कि लेफ्ट में जो जेड स्क्वायर है, लेफ्ट में जो जेड स्क्वायर है, राइट के माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को लेफ्ट में लेके जाओगे तो इधर हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे प्लस टू एक्स वाई जेड है, यहाँ पे प्लस टू एक्स वाई जेड है इक्वल टू राइट साइड में कितना है, राइट साइड में वन है, इसकी वैल्यू पूछी थी वन के बराबर आ गई, इसकी वैल्यू पूछी थी वन के बराबर आ गई, ऑप्शन नंबर वन हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर वन करेक्ट हो गया बात समझ में आ गई भाई, चलिए बहुत ही बढ़िया है ना। तो क्वेश्चन बड़े इजी होते हैं, प्रॉपर्टीज अगर आपको मालूम है तो क्वेश्चन सॉल्विंग में मजा आ जाएगा, ठीक है। अब आखिरी टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनवर्स फंक्शंस बाय एलिमेंट्री सब्स्टिट्यूशन, एलिमेंट्री सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करते हुए, सब्स्टिट्यूशन की ताकत मालूम होनी जरूरी है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सब्स्टिट्यूशन की ताकत मालूम होनी जरूरी है कि एलिमेंट्री सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करते हुए आप इनवर्स फंक्शन को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, है ना, विकराल रूप में दिखने वाले फंक्शन को सिंपल दिखने वाले फंक्शन में कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमारे पास स्क्रीन पे है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इस प्रॉपर्टी का ये कहना है कि साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अपन लिख सकते हैं 2 टैन इनवर्स x अगर x माइनस 1 से 1 है तो, पाई माइनस 2 टैन इनवर्स x अगर x 1 से बड़ा है तो, और माइनस पाई माइनस 2 टैन इनवर्स x अगर x 1 माइनस 1 से छोटा है तो। कैसे लिखा जरा बता देता हूं, है ना, एक बता देता हूं उसके बाद आगे बाकी अपने आप हैंडल कर लोगे, ठीक है।
तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। आप इसमें सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए, x की जगह ना, x की जगह tan थीटा डाल दो आप। x की जगह मैंने tan थीटा क्यों डाला मालूम है क्या? x की जगह मैंने tan थीटा इसलिए डाला दोस्तों क्योंकि साइन इनवर्स के अंदर लिखी हुई ये वाली चीज बड़ी लविंग होती है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज वेरी लविंग। तो साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा दिस इज वेरी लविंग। 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है? ये होता है साइन 2 थीटा। कितना होता साइन 2 थीटा? अब साइन इनवर्स साइन 2 थीटा को 2 थीटा लिखने की डायरेक्ट हिम्मत नहीं कर सकता मैं, इसको 2 थीटा लिखने की डायरेक्ट हिम्मत नहीं कर सकता मैं। क्यों? क्योंकि मेरे को ये बात की गारंटी होनी चाहिए कि 2 थीटा मेरा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 है। मैंने प्रॉपर्टी सिखाई थी कि साइन इनवर्स आगे लगा हो तो 2 थीटा डायरेक्टली बाहर तभी लिख सकते हैं जब 2 थीटा की गारंटी होगी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 है। आपको बता दूं मैं कि x इक्वल टू टेन थीटा लिखा है ना, x इक्वल टू क्या लिखा है, टेन थीटा लिखा है। तो तो यहाँ पे देखो, डायरेक्टली 2 थीटा अगर आप लिखना चाहते हो तो ये तभी लिख सकते हो। देखो डायरेक्टली 2 थीटा लिखना चाहते हो ना आप, यहाँ पे डायरेक्टली 2 थीटा अगर आप लिखना चाहते हो तो ये तभी संभव है जब 2 थीटा आपका माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 हो। माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 मतलब थीटा जो है ना, थीटा आपका माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 संभव हो। थीटा माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 है ना, तो दोनों तरफ टेन ले ले तो टेन थीटा कितना हो जाएगा, माइनस 1 से 1 हो गया। तो टेन थीटा बोले तो x, कहने का मतलब इसको 2 थीटा तब रख सकते हैं जब टेन थीटा बोले तो x, x मेरा माइनस 1 से 1 हो। तो ये बात समझ में आ गई कि इसको 2 थीटा तब रख सकते हैं, 2 थीटा तब रख सकते हैं जब मेरा जो x है ना, मेरा x जो है वो कितना हो, माइनस 1 से 1 हो। x क्या हो, माइनस 1 से 1 हो, और x क्या है ना, x क्या हो, माइनस 1 से 1 हो। और यार देखो, x अगर tan थीटा है तो थीटा कितना हो गया, थीटा यहां से tan इनवर्स x हो गया। तो इस थीटा की जगह पे ना, इस थीटा की जगह पे आप tan इनवर्स x रख सकते हो। क्या रख सकते हो, इस थीटा की जगह पे आप tan इनवर्स x रख सकते हो। क्या रख सकते हो, tan इनवर्स x। तो कुल मिला करके साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मेरा 2 tan इनवर्स x होगा अगर x की वैल्यू क्लोज्ड माइनस 1 से 1 होगी तो, ठीक है। और अगर x की वैल्यू मेरी, अगर x की वैल्यू मेरी 1 से बड़ी हो गई और माइनस 1 से छोटी हो गई, 1 से बड़ी हो गई और माइनस 1 से छोटी हो गई। देखो x 1 से बड़ा होने का मीनिंग है थीटा का पाई बाय 4 से बड़ा होना। थीटा का पाई बाय 4 से बड़ा होने का मीनिंग है 2 थीटा का पाई बाय 2 से बड़ा होना। 2 थीटा पाई बाय 2 से बड़ा हो गया तो साइन 2 थीटा को अपने को साइन पाई माइनस 2 थीटा लिखना पड़ेगा। साइन पाई माइनस 2 थीटा और साइन 2 थीटा सेम है, लेकिन 2 थीटा पाई बाय 2 से बड़ा हो गया तो ये क्वांटिटी पाई बाय 2 से छोटी होगी और छोटी ही लानी है। तो इसका मतलब इसको पाई माइनस 2 थीटा लिखना पड़ेगा। थीटा कितना है, थीटा है टैन इनवर्स एक्स। तो ये बात समझ में आ गई कि अगर x 1 से बड़ा है या इक्वल भी, इक्वल वाला यहां लगा लो कोई बात नहीं, x 1 से बड़ा है तो ये पाई माइनस 2 tan इनवर्स x होगा। x माइनस 1 से छोटा होगा तो 2 थीटा माइनस पाई बाय 2 से छोटा हो गया, उस केस में साइन 2 थीटा को साइन माइनस पाई माइनस 2 थीटा लिखना पड़ेगा और यहां पे आ जाएगा माइनस पाई माइनस 2 थीटा। थीटा कितना है, tan इनवर्स x। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूशन किया है और इस सब्स्टिट्यूशन को करते हुए मैंने ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन को यहाँ पे बोल दिया कि इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी जब x ये होगा, तो इसके बराबर होगी जब x ये होगा। तो मैंने सिंप्लीफाई कर दिया इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, ठीक है, बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, ठीक है जी। तो इसको ये लिखना आना चाहिए हमको, ठीक है। अब जैसे यहाँ cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, इसमें अगर मैं पुट कर दूँ x इक्वल टू टेन थीटा और फिर आगे बढ़ जाऊँ, है ना, इसी प्रकार से अगर मैं सोचूंगा तो cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 tan इनवर्स x होता है अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, माइनस 2 tan इनवर्स x होता है अगर x लेस देन 0 हो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में यार अगर इनको याद कर लो, कम से कम इसको याद कर लो तो बड़ा ईजी रहता है, ठीक है।
तीसरा यहाँ पे tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर सिंप्लीफाई करना है तो इस केस में अपने को इसमें भी x इक्वल टू tan थीटा पुट करना है, क्योंकि 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, लविंग होता है, ठीक है। इसी प्रकार से हाँ चलो, ये तो अभी मैंने बताया ही था कितना होता है, ये x 1 से बड़ा होता है तो कितना होता है, ये पाई माइनस टू टेन इनवर्स एक्स होता है ना, तो माइनस प्लस कैंसिल होकर पाई आंसर आ गया, ठीक है। ये तो अभी जो बताया है बस उन्हीं की बातें लिखी हुई है, ठीक है। इसने पूछा है कि एफ एक्स अगर ये है तो फाइंड एफ हंड्रेड और कोस एफ माइनस टेन। देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया, क्वेश्चन देखो एफ हंड्रेड निकालना होगा ना, एफ हंड्रेड तो एफ हंड्रेड का मतलब है एक्स मेरा वन से बड़ा है, x 1 से बड़ा होगा उस केस में ये क्वांटिटी हो जाएगी पाई माइनस 2 tan इनवर्स x, क्या हो जाएगी पाई माइनस 2 tan इनवर्स x, ठीक है। और प्लस कितना है 2 tan इनवर्स x है, ठीक है। तो पाई माइनस 2 tan इनवर्स x बोले तो 100, ठीक है, x की जगह बोले तो 100, अगर x 100 रख देंगे तो ये पाई माइनस 2 tan इनवर्स 100 हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो f 100 की वैल्यू तो आ गई आपकी पाई, ठीक है। दूसरा इसने पूछा है कोस एफ माइनस टेन बताओ, तो सबसे पहले एफ माइनस टेन बता देते हैं, है ना। एफ माइनस टेन बताओ, एक्स की वैल्यू माइनस वन से छोटी है ना, तो ये हो जाएगा आपका, ये वाली जो क्वांटिटी है ये हो जाएगी माइनस पाई, अभी अभी मैंने बताया था ना माइनस पाई, देख लो मैंने बताया था क्या होगा माइनस पाई माइनस टू टेन इनवर्स एक्स, ठीक है ना, अगर एक्स माइनस वन से छोटा हो तो, और ये तो माइनस टेन है तो माइनस पाई है ना, माइनस पाई माइनस टू टैन इनवर्स एक्स, एक्स कितना है माइनस टेन है, ठीक है, प्लस टू टैन इनवर्स, प्लस टू टैन इनवर्स एक्स, एक्स कितना है माइनस टेन है, तो कैंसिल हो गया, एफ माइनस टेन की वैल्यू आ गई माइनस पाई, एफ माइनस टेन माइनस पाई है तो कोस ऑफ एफ माइनस टेन की वैल्यू आ गई कोस ऑफ माइनस पाई, कोस ऑफ माइनस पाई कितना होता है माइनस वन होता है ना, माइनस वन आंसर आ गया, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। तो कुल मिला करके यहाँ मैंने दोनों पार्ट्स को सॉल्व कर दिया, ये पार्ट ए को सॉल्व कर दिया है और यहाँ पार्ट बी को सॉल्व कर दिया है, ठीक है। याद होंगी प्रॉपर्टी डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, इसको ट्रांसफॉर्म करना है कोस सॉरी साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब को, तो क्या पुट करना पड़ेगा भाई, x इक्वल टू साइन थीटा पुट करना पड़ेगा, x इक्वल टू साइन थीटा पुट करोगे 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बनते हुए सोल्व हो जाएगा, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को आप याद रखना चाहो रख सकते हो, प्रूफ करना चाहो ऐसे प्रूफ कर लो, ठीक है ना। इसको प्रूफ करने के लिए x इक्वल टू कोस थीटा पुट करना पड़ेगा, ठीक है, याद कर लो इस प्रॉपर्टी को भी, ठीक है जी। सारी प्रॉपर्टीज मैंने जल्दी जल्दी से आपको लिख दी, इसमें x इक्वल टू टेन थीटा पुट कर सकते हो, फील आनी शुरू हो गई होगी अब तो क्यों पुट करना है, इस प्रॉपर्टी को भी याद रखना चाहो तो याद कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की मैंने सारी थ्योरी आपको रिवाइज करवा दी है ना, कम समय में मैक्सिमम थ्योरी रिवाइज करवाने की कोशिश की है और आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का एक ओवरऑल रिवीजन पैकेज देने का कोशिश किया है, आई होप आपको इसका बेनिफिट हुआ होगा। तो अगर यार आपको इस लेक्चर के नोट्स चाहिए तो ये वाला टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। अनअकैडमी ऐप से आप डाउट पूछ सकते हैं, रात के 12 बजे 2 बजे 3 बजे 4 बजे सुबह मॉर्निंग जब मन करे पूछिए, क्रॉप करके आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करें, क्रॉप करके डाउट डाल दें, पूरी प्रोसेस लिखी हुई है डाउट पूछने की, डूज एंड डोंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। अपकमिंग बैचेस मार्च में अनअकैडमी ऐप पे जो अवेलेबल हैं वो यार बैचेस की लिस्ट लिखी हुई है, देख लीजिए, है ना। अपकमिंग बैचेस जो हैं जेई मेंस एडवांस्ड के लिए बैच हैं, है ना, वो यहाँ पे डेट के साथ लिखे हुए हैं, ठीक है। जो टेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट जो आ रहे हैं अनअकैडमी ऐप पे वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है, स्कॉलरशिप टेस्ट की डिटेल्स है यहाँ पे। 14th ऑफ मार्च को न्यूक्लियस टेस्ट सीरीज का ये टेस्ट है, 14th ऑफ मार्च को, ठीक है। अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि यूसेट का एग्ज़ाम होता है अनअकैडमी स्कॉलरशिप असेसमेंट टेस्ट, ये हर संडे को होता है 12 से 3, है ना, 1 करोड़ तक की स्कॉलरशिप इस पर मिलती हैं, ठीक है। इंडियाज लार्जेस्ट टेस्ट सीरीज़ है ये, है ना, स्कॉलरशिप का बेनिफिट जो है वो उठाना चाहिए, 12 से 3 टेस्ट दें, आप कहाँ स्टैंड करते हैं ये भी मालूम चल जाएगा आपको, ठीक है।
और यार अपना जेई प्लैनेट का ये छोटा सा चैनल है, खूबसूरत सा चैनल है यार, इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें, ठीक है। अनअकैडमी पे फॉलो करना चाहते हो मुझको तो लिंक डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। चैनल को लाइक कर दें यार, यहाँ पे बेल आइकन प्रेस कर दें, लाइक शेयर जरूर कर दें यार, सब्सक्राइब कर दें, ठीक है ना, ताकि मैक्सिमम लोगों तक इसकी रीच पहुँच जाए, फ्री कॉन्टेंट का लुफ्त लोग उठा पाएँ और चीज़ों को सीख पाएँ। जो लोग जेई को लेकर के, बोर्ड्स को लेकर के सीरियस हैं, वो लोग इस चैनल से अपनी प्रिपरेशन इजीली इफेक्टिवली कर सकते हैं और 100/100 स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही, ठीक है। फिर मिलेंगे यार अपन अगला चैप्टर लेकर के, ठीक है। हमेशा मैं कहता हूँ, सिचुएशन कैसी भी हो हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। फिर मुलाकात होगी हमारी, तब तक के लिए बाय बाय। ऑलराइट।